कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी टाइमलाइन। 9 अगस्त की सुबह आरजीकर अस्पताल के इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कोलकाता पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस को डॉक्टर की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा था। तब उसके गले में वही ईयरफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसके गले में ईयरफोन नहीं था। शक के आधार पर संजय को पुलिस ने 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रेप मर्डर को अंजाम देने के बाद वे पुलिस बैरक में जाकर सो गया था, जहां वे रहता था। उठने के बाद उसने अपने कपड़े साफ किए। संजय से पूछताछ शुरू होते ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने बेफिक्री में कहा कि चाहे तो मुझे फांसी दे दो। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आखिर में सिर्फ पिता को अंदर जाने की इजाजत मिली। उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर 90 डिग्री एंगल में थे। 12 अगस्त को पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। राज्य सरकार कल सुबह 10 बजे तक सीबीआई को केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर करेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। 13 अगस्त को ही कोलकाता रेप मर्डर मामले में फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने आरजीकर हॉस्पिटल के सभी अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की थी। बातचीत के बाद डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को खत्म हो गई। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवन गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये रेप नहीं, गैंगरेप हो सकता है। उन्होंने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर के पार्ट से 151 mg सीमेन मिला है। इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती है। 14 अगस्त की रात घटना के 5 दिन बाद आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। उन्होंने आरजीकर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की। 15 अगस्त को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया। इस मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लेडी डॉक्टर की हत्या मामले को लेकर कोलकाता में पद यात्रा करेंगी। इसी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीपी लाइव। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।